वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है एक डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर बनाने के सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक 10K का ऐसा प्रीसेट, सॉरी पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल पोटेंशियोमीटर 10K का। देखिए, हाँ 10K का ऐसा प्रीसेट चाहिए, पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा। और चाहिए होगा LM317, इसके पीछे मैंने हीट सिंक लगाया हुआ है। और चाहिए होगा हमको एक 1K का रजिस्टर और कुछ वायर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले LM317 IC के पहले वाले पिन पे हम 1K का एक रजिस्टर, पहले वाला पिन LM317 IC का जो पहले वाला पिन है उस पर एक 1K का रजिस्टर सोल्डरिंग करेंगे। चलिए सोल्डरिंग करके मैं फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने LM317 IC का पहला और दूसरा वाला पिन को एक रजिस्टेंस 1K रजिस्टेंस के साथ शॉर्ट कर दिया है। देखिए, अगर फ्रेंड्स मुझे बोलने में कोई दिक्कत आए तो माफ़ कीजिएगा, और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है कि तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा नॉइज़ आ रही है। तो देखिए, मैंने LM317 IC का एक और दो नंबर पिन के साथ मैंने एक 1K का रजिस्टर शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद LM317 IC का अब लेना पड़ेगा हमको एक प्रीसेट। देखिए, एक पोटेंशियोमीटर लिया है, पोटेंशियोमीटर का बीच वाला पिन, पोटेंशियोमीटर का जो बीच वाला पिन है, ये जो पिन है 1, 2, 3, ये बीच वाला पिन पोटेंशियोमीटर का LM317 IC का, ठहरिए फोकस लेने में दिक्कत हो रहा है, हाँ ये पोटेंशियोमीटर का जो बीच वाला पिन है, वो LM317 IC के पहले वाले पिन के साथ कनेक्ट होगा। वो LM317 IC के पहले वाले पिन के साथ कनेक्ट होगा। तो कनेक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पोटेंशियोमीटर का जो बीच वाला पिन है उसको LM317 IC के पहले वाले पिन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद LM317 जो IC है उसका जो तीन नंबर पिन में वायर कनेक्ट करेंगे, जो होगा 12 वोल्ट इनपुट के लिए, और पोटेंशियोमीटर का जो पहला वाला पिन है LM317 IC का जो 3 नंबर पिन है उसको उसमें एक वायर कनेक्ट करेंगे, जो होगा 12 वोल्ट इनपुट के लिए, पॉजिटिव इनपुट के लिए। और जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर का पहले वाला पिन पे एक वायर कनेक्ट करेंगे, जो होगा 12 वोल्ट इनपुट माइनस पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट के लिए। ये यहाँ पे आएगा पॉजिटिव इनपुट, और यहाँ पे इस वाले पिन पे आएगा नेगेटिव इनपुट। 12 वोल्ट पॉजिटिव इनपुट आएगा LM317 IC के 3 नंबर पिन पे, और 12 वोल्ट का नेगेटिव इनपुट आएगा पोटेंशियोमीटर के पहले वाले पिन पे। तो वायर कनेक्ट करके सोल्डरिंग करके मैं फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पोटेंशियोमीटर के पहले वाले पिन के साथ जो एक ब्लैक वायर कनेक्ट किया है, जो होगा 12 वोल्ट नेगेटिव इनपुट, और IC का जो 3 नंबर पिन है उसके साथ एक मैंने एक रेड वायर कनेक्ट किया है, वो होगा 12 वोल्ट पॉजिटिव इनपुट के लिए। मैंने ये दो वायर हो गए इनपुट के। उसके बाद हम बीच वाले एक पॉइंट है, जो LM317 IC का जो दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट से एक वायर निकालेंगे, जो होगा LM317 IC का जो बीच वाला पॉइंट है, 2 नंबर पिन है, उसके साथ एक वायर निकालेंगे, जो होगा पॉजिटिव आउटपुट के लिए। और पॉजिटिव आउटपुट के लिए ये होगा LM317 IC का बीच वाला पॉइंट होगा पॉजिटिव आउटपुट के लिए, और पोटेंशियोमीटर का जो पहला वाला पॉइंट है ये कॉमन होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो सोल्डरिंग करता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बीच वाले पॉइंट से एक वायर निकाल दिया है, और पोटेंशियोमीटर का 1 नंबर पॉइंट से भी मैंने एक वायर निकाल दिया है। तो ये जो दो वायर है, ये ब्लैक और ये रेड, तो ये होगा 12 वोल्ट इनपुट के लिए, मतलब 12 वोल्ट इन के लिए। और ये जो दो वायर निकले हैं, ये दो वायर होगा
मोटर में लगने के लिए, वो वोल्टेज को वैरी करने के लिए, ठीक है, वोल्टेज को वैरी करने के लिए। अगर फ्रेंड्स मेरे मेरे बोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, और बोल रहा हूँ कि जो ये जो मैंने सर्किट बनाया है तो इस सर्किट का सर्किट डायग्राम भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जिससे आप देख कर बना सकते हैं। और अगर वीडियो में आपको समझ नहीं आता है तो इसलिए मैंने सर्किट डायग्राम बना कर लिंक में, सर्किट डायग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप सर्किट डायग्राम का लिंक देखिएगा, आपको समझ सब बात पूरे डिटेल्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए तब इसका हम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैं एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा, और ये एक 555 DC मोटर है, तो मैं इस मोटर के ऊपर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जो मोटर का जो साउंड होगा उस साउंड से ही आपको पता चल जाएगा जो वोल्टेज वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं ट्रांसफार्मर लगाता हूँ, लगा के कनेक्शन पूरा कंप्लीट करके मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया है, ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिया है, और उसके साथ मैंने पावर सप्लाई भी कनेक्ट कर दिया है, और एक DC मोटर कनेक्ट किया है, जो जिससे आप समझ में आएगा जो कितना वोल्टेज वेरी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं सर्किट डायग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, पूरा सर्किट डायग्राम एकदम बढ़िया से बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम टेस्टिंग का वीडियो चालू करते हैं। तो मैंने ट्रांसफार्मर में करंट दे रहा हूँ, ट्रांसफार्मर में करंट दे रहा हूँ, ये है, दे दिया है, देखिए कनेक्शन का ट्रांसफार्मर में आ गया है। अब मैंने ये मोटर है, देखिए जैसे जैसे मैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमाऊंगा, मोटर का स्पीड देखिएगा इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, देखिए देखिए घूमने लगा, जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा देखिए, देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर वेरी करूँगा वैसे वैसे देखिएगा स्पीड लो होगा फिर हाई होगा। देखिए अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, देखिए स्पीड कम होने लगेगा, देखिए साउंड से आपको पता चलेगा, देखिए साउंड साउंड से पता चलेगा, देखिए जैसे मैं थोड़ा थोड़ा लो कर रहा हूँ, देखिए लो हो रहा है, देखिए मैंने पूरा लो कर दिया, देखिए पूरा बंद हो गया, मैं धीरे धीरे फिर बढ़ा रहा हूँ, देखिए वोल्टेज बढ़ने लगेगा, देखिए 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 मैं फुल कर दिया, देखिए मोटर स्पीड में घूमने लगा, देखिए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको मल्टीमीटर में भी चेक करके दिखाता हूँ जो वोल्टेज वेरी हो रहा है कि नहीं, एक मिनट ठहरिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मल्टीमीटर का दो ब्लैक प्रोब और रेड प्रोब में सर्किट का ब्लैक आउटपुट का ब्लैक वायर रेड वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एकदम लो है, 1.4 वोल्ट दिखा रहा है। अब देखिए मैं जैसे जैसे इंक्रीज़ करूँगा वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, देखिए देखिए 2.5 हो गया, 2.9 हो गया, 3 वोल्ट हो गया, ये जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे इंक्रीज़ होता रहेगा, देखिए 5 हो गया, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे मैं पूरा पूरा बढ़ा दूंगा तो 14.7 या 6 के आसपास दिखा रहा है। तो अपना सर्किट कंप्लीट है, तो आशा करता हूँ वीडियो सबको पसंद आई होगी, तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नई एक वीडियो के साथ, तो धन्यवाद दोस्तों।